हेलो एवरीबॉडी, आने वाला जो पोर्ट्रेट वर्कशॉप है उसके बारे में रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने बताया है ताकि आप लोगों को डिटेल्स पता चल सके कि वर्कशॉप कब होने वाला है, क्या होने वाला है, उसके सारे डिटेल्स मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हार्डली 2 to 3 मिनट्स का ये वीडियो रहने वाला है। तो फटाफट मैं पॉइंट्स कवर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये पोर्ट्रेट वर्कशॉप किन लोगों के लिए डिजाइन किया है। ये वर्कशॉप उन लोगों के लिए डिजाइन किया है जो माइट बी एक स्टूडेंट हो सकते हैं, जो माइट बी एक हाउसवाइफ हो सकती है, या वट एवर जो भी बेसिक लेवल के ऊपर जो आर्टिस्ट है आज के इसमें और जो पोर्ट्रेट के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, ये वर्कशॉप में उन लोगों के लिए डिजाइन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड थिंग कि ये वर्कशॉप के अंदर मैं कौन सी पेंटिंग कवर करने जा रहा हूँ। सो ये वो पेंटिंग है जो मैं वर्कशॉप के अंदर कवर करने जा रहा हूँ और ये उसका रफ स्केच है और ये आपको ड्रॉ करना है 18x24 इंच के कैनवास के ऊपर। सर अगर हमारे पास कैनवास नहीं रहा तो और चीज चल जाएगी सर, या 18x24 नहीं रहा तो क्या हमारे पास कुछ दूसरा ऑप्शन है अवेलेबल? सो मैं कहूंगा कि अगर ये आप लेते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको चांसेस है कि एग्जैक्ट 1 to 1 रेप्लिका तैयार हो जाएगा जो मैं बताऊंगा और जो आप करोगे। अगर आप 19-20 यहाँ पे मटेरियल्स के साथ करोगे या कलर्स के साथ करोगे तो 19-20 आपको रिजल्ट्स के अंदर भी वेरिएशन मिल जाएगा। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कोशिश कीजिएगा वैसे वैसे डायमेंशन और वो एग्जैक्ट वैसे के वैसे आप यहाँ पे अरेंज कीजिएगा। सो 18x24 इंच का आपको एक कैनवास लगने वाला है और उसके साथ ये रफ स्केच जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको रफ स्केच के साथ आपको रेडी होना है। दूसरी चीज, यहाँ पे कलर्स कौन से लगने वाले हैं? कलर्स वही लगने वाले हैं जो मेरे कस्टमाइज स्किन टोन से, जहाँ पे मैंने 12 डिफरेंट शेड्स पोर्ट्रेट के लिए मैंने दिए हैं। अगर मेरे बनाए हुए टोन्स आपके पास अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली वो यूज कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप मुझसे वो ले सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वो 12 पोर्ट्रेट के स्किन टोन्स। और वो स्किन टोन्स के बारे में थोड़ा सा आपको स्पेशल बताना चाहूंगा कि वो ऐसे स्किन टोन्स मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं कि जिसको आपको डायरेक्टली ट्यूब में से निकाल के कैनवास के ऊपर लगाने का और आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। सो वहाँ पे कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं कि मेरे का स्किन टोन्स एग्जैक्टली मैच नहीं बन रहे हैं, मेरे स्किन टोन्स तैयार नहीं हो रहे। सो झंझट ही मैंने यहाँ से निकाल दिए और ना ही आपको कुछ ब्लेंडिंग के अंदर दिक्कत जाने वाली क्योंकि मैंने कितना क्वांटिटी का वाटर और कितने क्वांटिटी का कलर लगने वाला है वो उस ट्यूब के अंदर ही मैंने ऑटोमेटिकली सेट करके रखा हुआ है। तो आपको डायरेक्टली वो ट्यूब निकाल के कैनवास के ऊपर लगाने की, सिर्फ कौन सा कलर किस पोजिशन पे लगाने का है ये बताने के लिए मैं इस वर्कशॉप के अंदर आपको बताने वाला हूँ। ये वर्कशॉप एक सीरीज बनने वाली है, माइट बी एक 10 to 15 डेज की माइट प्रोबेबली सीरीज बनने वाली है। सो आपके अंदर ये पेशेंस होना चाहिए कि 10 to 15 डेज तक मुझे ये पोर्ट्रेट वर्कशॉप करना है स्टेप बाय स्टेप। सो ये वर्कशॉप कुछ लाइव नहीं रहने वाला है, ये वर्कशॉप के रिकॉर्डिंग्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा और आप लोग इसके रिकॉर्डिंग्स के अकॉर्डिंगली देख पाओगे। सो आने वाले संडे या मंडे से हम ये पोर्ट्रेट वर्कशॉप में आप लोगों के लिए ओपन करने वाला हूँ, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। सो इसके अलावा कुछ डाउट्स कुछ डिफिकल्टीज लगती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड आपको जल्दी ही सेशन के अंदर ही मिलता हूँ, वर्कशॉप के अंदर ही। थैंक यू।